फिर विशेष जी की ले लेंगे। ठीक है, तो किरण जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, 9 अंकों की गिरावट है, हमने थोड़ी देर पहले देखा 20 अंकों की गिरावट मार्केट में तो चलता रहेगा, आपकी तरफ से आज का पहला शेयर, आज तो मेरे को लग रहा है रेंज में रहेगा बाजार। निपी जी वेरी गुड मॉर्निंग, एक sir. नया ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है, वो ही पहले देना चाहूंगा। एसआरएफ बेच के चलना चाहिए, तीन कारण है इसके। एक तो 9% ओपन इंटरेस्ट जिस तरीके से वॉल्यूम से नीचे गिर रहा है वो एक बात है, और तीसरी बात परसों भी देखा गया था कि 5 दिनों की तेजी जो एक ही दिन में निकल गई, तो एक बहुत बड़ी गिरावट इधर देखने को मिल जानी चाहिए। टारगेट रहेगा 2040 का मेरा पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा रहेगा 2025, ये दोनों के दोनों टारगेट आज ही हासिल हो जाने चाहिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 2100 रुपए का, तो अच्छी खासी इधर गिरावट देखने को मिल जानी चाहिए। ओके, तो इसमें जहाँ गिरावट की बात करें वहीं मैं बता दूं विश्वेश जी की भी यही कॉल थी, SRF ही, तो विश्वेश जी की भी कॉल SRF ही है, तो आप नोट कर लीजिए, उनका भी यही कहना था कि SRF जाएगा 2030, ये है विश्वेश जी का टारगेट। कुणाल किरण जी ने क्या टारगेट बताया, किरण जी आपका टारगेट एक बार वापस से बताएं। मेरा पहला टारगेट था 2040 और दूसरा था 2025, 2040 2025। ओके, 2040-2025 टारगेट, और विश्वेश जी का टारगेट है 2030। और एक रीजन और बता दूं जिसकी वजह से SRF आज तेजी से गिरा, वैसे तो सिमी जी से भी राय तो लेनी, टाटा ग्लोबल यही बाय करके चलना चाहिए ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि परसों का जो हाई था वो निकल गया है, और जिस तरीके से वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिलते हैं जब बाजार नीचे है, तो मेरा मानना है कि ये एक मार्केट आउट परफॉर्मर रहना चाहिए। शुक्रवार को भी मार्केट गिरा था पर ये स्टॉक अच्छा चला था, तो मेरा पहला टारगेट रहेगा करीबन 225, दूसरा रहेगा 228, स्टॉप लॉस 216। ओके, 216 का स्टॉप लॉस खरीदना है आपको टाटा ग्लोबल, 221 के आसपास चल रहा है, 225-228 सुबह सुबह नजर आ गया था कि इसको चलना